हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6:30 और सीरियस है, आदमी का जग रही है भाई 5 बजे की। अपने पापा को आवाज लगा लगा के पापा हो पापा हो, और पापा को सोने नहीं दिया अद्विका ने, और पापा ले लेके घूम रहा है इधर उधर उसको। तो दिखाते हैं भाई अद्विका को, इधर सोना सोना चोरी बोल। तो इनकी ड्यूटी लगी अद्विका सुबह से ही गोदी में, और आज धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। ये देख लो धुंध बहुत ज्यादा है, स्टार्ट नहीं होनी है तो गाड़ी ले, गाड़ी की पड़ी है पहले इनको तो। अब ये धुंध पड़ रही है बेटी, ये अद्विका दिखा रही है। अब ये देखिए, ये देखा है भाई, इन्होंने इतना बनाया अद्विका को, कभी बिस्किट कभी बेर कभी दूध बना के लाए, पर इसने कुछ भी नहीं लिया। या कुछ नहीं, गोदी में ही रोई है। अब ना करिए चाय बना दे रहा हूं। अब अपनी जीजी के लिए बोल रही है भाई कि चाय बना जीजी का दे। सूजन इतनी आ गई है दोस्तों, अब तो मुंह पूरा भर चुका है सूजन की वजह से मेरा, देख सकते हैं आप। पता नहीं कैसे दिन नजीक आ गए, सूजन इतनी हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ ये देखो पापा की लाडली सब सुबाई भाई कहाँ लेके, और ये देखो भाई मेरे बगैर भांडे भी नहीं धोते हैं शाम के, और ये सब सुबाई इनके लिए लपटा और डोकरी के लिए बना रहे हैं भाई चाय, क्योंकि अब मुझे चाय नहीं मिलती है, मेरी दवाई चल रही है। अब ये लो कर दूँ। लाम लाम दोस्तों, मैं बिस्किट खा ली हूँ, बहुत कल्ली मनी हूँ मैं पापा पे। अब मैं मम्मी की तलब घुला ली हूँ। खा ले हाओ। ये देखो दोस्तों मेरे बगैर भाड़े देखो आप कितने बिगाड़ के रख रखे हैं। ये तो शाम के कपड़े अब सुखा के आई हूँ मैं, और आज तो भाई मेरी पटिया तो एकदम साफ पड़ी है, इन पे तो पोंछा लगाने का काम नहीं है, लेकिन ये ऐसी चप्पलों से जरूर गंदा कर देंगे इसको। और देखो अद्विका खेलने लग रही है खुद ही। और ये देखो दोस्तों मेरे लिए भाड़े कितने हो चुके हैं, अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है ना दवाई ली, और उससे पहले बर्तन मेरे लिए इतने सारे हो चुके हैं भाई, और इन्होंने मिला दी मेरी छाछ में दवाई। वो तो यार सच दवाई चलने का आराम पड़ो, बता दो इनको कोई पहले अपने के तो आराम पाड़ ले। अभी नहीं भाई मेरे पुलाराम हो जाएगा तब बताऊंगी आप लोगों को, कि तल चटा पत्ता चटा करो नहीं पत्ता चटा के पत्ता चटा के पत्तों से थोड़ा बहुत मेरे आराम है। तो ये दवाई ले रही हूँ भाई मैं छाछ में, और शाम को दी थी इन्होंने गर्म पानी में, और इसे मैं पी जाती हूँ। मैंने रोटी बना ली है भाई, रोटी बनाने लग रही हूँ, और ये रखा है सोना का दही, और वो लेने गई है चीनी, क्योंकि वो चीनी से खाएगी, चीनी डाल के दही से रोटी, और ये खाने लग रहे हैं भाई दही से और दाल से रोटी। और ये अद्विका, और आज अंशा रोटी अद्विका नो, और तुम भी खा लो रोटी, तुम भी खा लो दोस्तों। आज दो के दिन तीनों का जी सोना खा रही है खाना, और मैंने मंगाया भाई मेरे लिए टोस्ट मंगाया, तो भाई मैं खाऊंगी टोस्ट, तो आ जाइए किसी को खाने हो तो टोस्ट, अब खा लेते हैं टोस्ट भाई। ये देखो दोस्तों अद्विका सोना के लिए खाना खिला रही है, और दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2, और मैं इस टाइम रोटी खा रही हूँ भाई, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। ये छाछ रखी है इधर, ये दाल है,
इधर अद्विका लग रही है खाने। फोटी बन बज गए। और ये सोना दिना दिन ज्यादा मक्कार होती जा रही है भाई, मेरे फोन को ले लेती है ये और बार बार फोन लगाती रहती है अपने पापा को। इसने अपने पापा को परेशान करके रख रखा है, इसकी चामड़ी में नमक भर दिया अभी थोड़ी देर पीछे। मैं थोड़ा इधर उधर होती हूँ तो फोन को उठा लेती है और फोन करने लग जाती है। हाँ, ये वैसे मेरा ही फोन है, वो मैं इसे ज्यादा यूज में नहीं लेती हूँ, तो तू गलत बार बार फोन मत किया कर, पापा को परेशान करती है, तेरी चामड़ी में नमक भर के रख दूंगी। नहीं और दाल खागी दी क्या है? तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं भाई, 8:15 हो चुकी है और इन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने का तरीका देख ही सकते हैं आप लोग कैसे खाना खाते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खाना खा लीजिए, खाना बन के कम्प्लीट है। पर इधर सोना सो रही है, इसने बाजरे की रोटी खाई है आज दूध से, तो सोना कुछ बोलना चाहिए, खड़ी हो जाए, दिख नहीं रही है तू। बोल आप लोग भी खा लीजिए भाई रोटी। और इधर मैंने रख दिया भाई दूध गर्म होने के लिए, तो दूध हो रहा है इधर गर्म। और अब जा रही हूँ मैं बर्तनों को धोने, क्योंकि ये वाला दूध अभी जो सो में लेके आई है, जो दूध गर्म करना है भाई, तो अभी तो पहले बर्तनों को धो के लाती हूँ, उसके बाद इसको दूध को गर्म करेंगे, क्योंकि भगोनी खाली नहीं है। और ये मेरी रोटी रखी है और इधर रखी है भाई मेरी छाछ इसमें। तो पहले तो मैं बर्तन धो लाती हूँ।